हेलो वालेकुम क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दौर से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो चलें जी जहाँ से लास्ट लॉक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं और केक आ गया है और अब हम कट करते हैं केकमीम Nice. nice this one it. is what from is really Wasi. Lovely. Okay. Thank you. Hmm. Thank you. Oh my god. <laughs> 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 oh, this is. This <laughs> is a ring light for your phone. <laughs> it's a ring light for my phone? Yeah. You put it on your phone. Oh, thank you so much, Ruchi. For you, उसी 32 डॉलर का ये वापस करें कहां है इसकी रसीद नो यू हैव टू यूज इट नो ऐसी फजूल में चीजें खरीद खरीदते हैं ना अपने पैसे वेस्ट करते रहते हैं इसलिए मैंने कहा इसको वापस करो लेकिन होगा नहीं वाओ व्हाट इतने प्यारे कलर्स यस इट इज ये देखो ओ वाह राइट राइट थैंक यू सो मच तो ये थे जी बच्चों के प्यारे से छोटे-छोटे से गिफ्ट्स थे उन्होंने मामा को दिए और कितने दिन पहले से टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि हमने आपके लिए कुछ लेना है वो आपको क्या चाहिए हमें कुछ आइडिया दे दें और ये इब्राहिम ने तो मेरे साथ बैठ के ऑनलाइन जो है वो अमेजोन से अंडर ये, अंडर सिंक ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने कहा मुझे ये ले दो मुझे ये चाहिए ऐसे ही दो दो पैसे वेस्ट करते रहते हैं कुछ अपनी पसंद से लेते रहते हैं तो मैंने कहा जो मुझे चाहिए ना बेटा वही ले दो और फिर मैंने इसको कहा कि अब आपने मुझे गिफ्ट लेके दिया है तो इसको अच्छे से मुझे असेंबल भी करके दो और देखिए कितना प्यारा सा असेंबल किया इसने और साथ साथ जिनसे वो वीडियो भी बना के मुझे दी और सब अपनी पॉकेट मनी से जो है वो मामा को पापा को बहन भाइयों की भी एक दूसरे की बर्थडे आती है तो सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा लगता है हम लोग यहाँ पे ऐसी सिंपल सी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसी को नहीं बुलाते हैं आप पे में बस केक कट करते हैं और खाना खा लेते हैं घर से घर में तो कम ही खाते हैं बाहर जाके ज़्यादा हम लोगों ने खाना होता है यही हमारी बर्थडे की सेलिब्रेशन होती है चलें जी अब इनके पापा को भी धक्के से बच्चों ने भेजा कि आप भी जाएँ और मामा को कोई गिफ्ट लेके के दें तो हम लोग जनाब आए अलूर वहाँ से मैंने एक छोटा सा गिफ्ट लिया जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ और ये जो जगह है ना ये है एयरपोर्ट रोड और यहाँ पे सारी ज्वेलरीज की शॉप यहीं पे है और ये देखिए मैं सामने दिखा रही थी एक मॉस नज़र आ रही है माशाल्लाह से जगह जगह पे हमारे यहाँ पे ना इस तरह मस्जिदें नज़र आती हैं बहुत अच्छा लगता है और ये सारी की सारी जो लाइन है ये सब ज्वेलरी की शॉप्स हैं और ये देखें ये मिली है मुझे गिफ्ट में एक प्यारी सी ब्रेसलेट आ, मुझे ब्रेसलेट चाहिए थी मेरे पास घर में, में पहनने के लिए जो सब वो एक हल्की सी मुझे चाहिए थी जो हर वक्त कैजुअल इंसान पहन सके तो ये मैंने ली थैंक यू सो मच हभी अल्लाह ताला आपको सेहत और दूसरी लंबी जिंदगी दे और आप हमेशा मुझे ऐसे प्यार प्यार से गिफ्ट लेके देते रहें आमीन आमैन आमीन इसके बाद जी रात के टाइम रात के नहीं सॉरी इफ़ारी के टाइम हम लोग गए इफ्तार करने के लिए जैसे मैंने बताया कि यही हमारी सेलिब्रेशन होती है तो हम लोग कहाँ गए इफ्तार करने के लिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये एक मिशी आगा में रेस्टोरेंट है जिसका नाम है माए कुलाची जी हम लोग ये पहुँच गए हैं और वीकेंड पे रमज़ान में इन्होंने बफे रखा हुआ है तो हम लोग इनका बफे वैसे हम लोग इनकी कढ़ाई होती है बहुत मज़े की वो हमेशा से जो है प्रेफ़र करते हैं वही खाने के लिए जाते हैं लेकिन आज जो है इनके पापा ने कहा कि चलें हम लोग बफे ट्राई करते हैं क्योंकि रमज़ान में एक बफ़े तो बनता ही बनता है तो लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं है बिल्कुल मज़ा 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 तो अलहमदल आता ही है लेकिन रोज़े के साथ आप ज़्यादा कुछ खा ही नहीं सकते हैं और हम लोगों ने जो वो फिर भी इस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ओवर फीडिंग हो गई और उसके बाद जो है ना त्ररावियाँ पड़नी मुश्किल हो गई और ये देखें ये इतना प्यारा सा रेस्टोरेंट है ना ये कितने प्यारे उन्होंने पाकिस्तान की कल्चरल चीज़ें रखी हुई हैं और वैसे स्कूटर को सजा के वैस ही है ना और ये पूरा का पूरा जो वॉल है इसको पेंट की हुई है पिकॉक बनाया हुआ है ये देखें ये कितना क्यूट लगता है ना वैसे पास स्कूटर रखा हुआ है और पाकिस्तान का झंडा भी तो महल वो आया नहीं और इस तरह जो है इनके सिटिंग अरेंजमेंट है ये अभी और ये देखें ये सारी की सारी इन्होंने पहले रख दी इफ़ार इफ्तार में है वो समोसे थे स्प्रिंग रोल्स थे पकौड़े थे और दही भले थे और ये जो है खजूरें थी और रूह अफ्सा था अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब पहले हम लोगों ने इफ्तार के अजान से पहले ला के रख दिया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाएं तो अपना कल्चर देखने को मिलता है ये देखें कितनी मज़े मज़े के फ़ासा रख प्यार हो जाएगा दिल बरए फरोख ये जो रक्षों के पीछे पीछे और ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना वो बातें लिखी हुई हैं और ये चीज़ अजान हुई उसके बाद जो है वो अंदर इन्होंने सीटिंग बनाई सीटिंग सॉरी नमाज की जगह भी बनाई हुई है नमाज पढ़ने के बाद जो है वो ये देखिए हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया और ये इनकी दो तरह की कढ़ाई होती है वाइट वाली जो है ना वो मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है और वील कौरमा और वेज भी थी और थोड़ा सा जो है वो ये बारबेक्यू भी था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना था बहुत टेस्टी था इनके जो ऑनर हैं वो और उनकी जो मिसेज़ हैं वो जानते हैं इनके पापा को वो आके में मिले माशाल्लाह से बहुत नाइस लोग हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में और बरकत बरकतार आमीन सुम आमीन और ये देखें कितना रश हुआ हुआ था खूब सारे लोग आवे थे और माशाल्लाह सब के सभी इफ्तार करने आए थे तो जी ये हमारी खास खैरियत से अफतार हो गई और फिर हम लोग भागम भाग पहुँचे तरावि के लिए हमें पहुँचना था इसलिए हमने खाना भी जल्दी जल्दी में खाया जितना खा सके क्योंकि हमें इफ्तार हमें जो वो तरावियाँ पढ़ने पहुँचना था अपनी मॉस्क में पहले हमारा प्लान था कि वहाँ पास ही पढ़ लेंगे लेकिन फिर हम लोग माशाला से पहुँच गए तो जी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दुआ में याद रखें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर किसी नई वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखें अपने आसपास दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़